हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल एसएस किचन। मैं हूँ शैली। दोस्तों, आज हम अपनी किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही फेमस क्यूजीन नली निहारी। मटन से बनने वाली ये रेसिपी है और बनने में जितनी ये टाइम टेकिंग है, खाने में उतना ही लाजवाब टेस्ट आता है इसका। आज मैं आपको बनाना बताऊंगी नली निहारी विद इट्स होममेड मसाला। वैसे तो नली निहारी का मसाला आप बाजार से भी परचेज कर सकते हैं, बट घर के मसाले की बात ही कुछ और होती है। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे बनाया जाता है नली निहारी और उसका मसाला कुछ स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। वी नीड अ डीप पैन। इसमें मैं डालूंगी ऑयल, ये सरसों का तेल है, एक कप जैसा सरसों का तेल लिया है मैंने, और इसको अच्छे से धुआं आने तक हम पकने देंगे तेल को। निहारी का एक्चुअल टेस्ट सरसों के तेल में ही आता है। आप चाहे तो इसे घी में भी बना सकते हैं, बट सरसों का तेल इज बेस्ट। गाइस, इसमें से धुआं निकलने लगा है, तेल में से बहुत अच्छे तरीके से गर्म हो गया है। इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा गार्लिक का लहसुन का छींटा मारने से तेल का कच्चापन सारा निकल जाता है और निहारी का टेस्ट बहुत औसम हो जाता है। अब मैं इसमें डालूंगी ये लंबा लंबा कटा हुआ प्याज और इसको मैं ब्राउन होने तक, गोल्डन ब्राउन कलर तक अच्छे तरीके से प्याज को फ्राई कर लूंगी। प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। नाउ एट दिस स्टेज मैं इसमें ऐड करूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। ये 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। इसको भी प्याज के साथ अच्छे तरीके से हम भून लेंगे और इसकी रॉ फ्रेग्रेंस निकल जाए तब तक हम इसको कुक करेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी, ये मेरे पास 800 ग्राम्स मटन है, मटन विद नली, ये मैं इसमें डालती हूँ। और इसके साथ ही मैं ऐड कर दूंगी ये बचा हुआ प्याज जो मैंने थोड़ा सा बचाया था, कच्चा प्याज। 2 चम्मच डालूंगी मैं इसमें नमक, 1/4 टीस्पून में डालूंगी इसमें हल्दी पाउडर, 2 चम्मच में डालूंगी इसमें लाल मिर्च पाउडर और 2 चम्मच में डालूंगी इसमें देगी मिर्च पाउडर, 2 चम्मच में डालूंगी इसमें कोरिएंडर पाउडर। तो अच्छे से मैं मिक्स कर दूंगी। इसको मैं ढक दूंगी और 10 से 15 मिनट इसको मैं मीडियम फ्लेम पर कुक होने दूंगी और उसके बाद ही मैं इसमें आगे के इंग्रेडिएंट्स ऐड करूंगी। लेट्स चेक आफ्टर 10 मिनट्स, मटन ने पानी छोड़ दिया है और मसाला अच्छे से पक चुका है। नाउ एट दिस टाइम आई एम गोइंग टू ऐड 1 कप ऑफ कर्ड, ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। मिक्स इट। और साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी 2 कप पानी। और इसको हम ढक करके अच्छे तरीके से पकाएंगे, इसको हम आधे घंटे बाद चेक करेंगे। दोस्तों, निहारी जो है वो पानी में बहुत अच्छे तरीके से पक रही है। इस टाइम पर अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको ऐसे ही खुले में पकने दें, बिकॉज निहारी का टेस्ट स्लो फ्लेम पर पकने में ही आता है। अगर आपके पास समय की कमी है तो आप इसको इस सिचुएशन में कुकर में डाल करके सीटी लगा लीजिए 2 से 3 और फिर इसको पकाइए, तो आपका जो गोश्त है वो जल्दी से गल जाएगा। हम इसको खुले में पका रहे हैं तो इसको हम आराम से स्लो फ्लेम पर पकने देंगे। गाइस, जितने हमारा मटन प्याज और अपने खुद के पानी में पक रहा है तब तक हम
निहारी का मसाला बना लेते हैं। सो निहारी का मसाला बनाने के लिए हम लेंगे यहाँ कुछ चुनिंदा मसाले, लेकिन मसालों की क्वांटिटी हम लेंगे जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि 800 ग्राम मटन के हिसाब से हम लेंगे तेज पत्ता 3, 2 साबुत मिर्च बड़ी, साबुत धनिया 2 बड़े चम्मच, शाही जीरा 1 बड़ा चम्मच, नॉर्मल जीरा 1 चम्मच, सौंफ 1 चम्मच, 1 बड़ी इलायची, 5 छोटी इलायची, 1/4 पीस ऑफ नटमेग या जायफल, 2 जावित्री के फूल, 1.5 मैंने लिया यहाँ पे स्टार अनीस या चक्रा फूल, 2 टुकड़े लिए हैं मैंने दालचीनी के। ये एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है पीपली, ये आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगी, अगर ये आपके पास है तो ज़रूर डालें, इससे निहारी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो ये 4 से 5 पीपली मैं ले रही हूँ, 4 से 5 दाने ले रही हूँ मैं कबाब चीनी के, 6 से 7 लौंग, 12 से 15 काली मिर्च के दाने, ये है मेरे पास दगड़ फूल या पत्थर के फूल भी इनको बोलते हैं, ये भी आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे। ये इंग्रेडिएंट बहुत इम्पॉर्टेंट है निहारी बनाने के लिए, इससे एक बहुत ही सोंधापन आता है निहारी में। साथ ही साथ मैं इसमें ऐड करूंगी खसखस 2 चम्मच। इन सारे मसालों को मैं 2 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लूंगी और उसके बाद मैं इनको एक इनका पाउडर बना लूंगी। इन सारे मसालों को 2 मिनट के लिए मैं ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ। गाइस मसाले रोस्ट हो चुके हैं, अब हम इनका एक फाइन पाउडर बना लेते हैं। इन सारे सूखे मसालों को मैं एक ग्राइंडर जार में डाल लेती हूँ और इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 छोटा चम्मच जिंजर पाउडर और इसका एक फाइन पाउडर मैं बना लेती हूँ। मसाला हमारा एकदम रेडी है निहारी का, फ्रेग्रेंस इज कमिंग रियली वेरी नाइस। अभी तो हमने इसमें निहारी का मसाला नहीं डाला है, मीट ने बोन्स को छोड़ना स्टार्ट कर दिया है, इसको हम थोड़ी देर और पकाएंगे। इसको पकते हुए हो चुके हैं 40 मिनट, अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये जो हमने मसाला बनाया था निहारी का, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इनसे 4 चम्मच मैंने इसमें निहारी का मसाला ऐड किया है और अगर ये मसाला आपका निहारी का बन जाता है परेशान मत होइए, इसको आप एयरटाइट बॉटल में बंद करके और रख सकते हैं आराम से। इसमें मैं 2 कप पानी और ऐड करूंगी और इसको लो फ्लेम पर कुक होने देंगे। तकरीबन आधे घंटे बाद हम इसको चेक करेंगे वापस से। इस पकती हुई ग्रेवी में हम डालेंगे, अगर मैं बात करूं देसी लैंग्वेज में तो आलन लगाएंगे हम इसमें, और अगर मॉडर्न लैंग्वेज में बात करूं तो हम एक स्लरी बनाएंगे। ये मैंने लिया है 2 चम्मच आटा, इसकी जगह आप मैदा भी ले सकते हैं 2 चम्मच और इसकी जगह आप बेसन भी ले सकते हैं 2 चम्मच। और इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा पानी टू मेक अ स्लरी, इससे क्या होगा ग्रेवी में बहुत ही अच्छा एक लेस आ जाएगा और एक ग्लॉस आएगा, इट विल थिकन द ग्रेवी बेसिकली। ये देखिए इस तरह से हमारा एक पतला घोल रेडी हो गया है, ये मैं इसमें डाल दूंगी और चलाती जाऊंगी इसको। मैंने इसमें नमक टेस्ट किया था, नमक बहुत कम है इसमें, हमने स्टार्टिंग में ही डाला था नमक, तो इसमें मैं 1.5 चम्मच नमक ऐड कर देती हूँ। और गाइस निहारी बनाने के लिए ना आपको टाइम को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि निहारी ओपन पकती है और मटन को ओपन पकाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। मटन निहारी को बनने के लिए कम से कम 3 घंटे का टाइम आप लेकर के चलिए,
आपके पास अगर टाइम नहीं है ना तो आप इसको कट शॉर्ट करके कुकर में डाल करके सीटी लगा दीजिए, अदरवाइज इसको खुले में पकने दीजिए लो फ्लेम पर और आराम से इसको 3-4 घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ दीजिए। अब मैं इसको ढकती हूँ और इसको आधे से पौना घंटे तक और पकने देती हूँ। गैस निहारी को कुक होते हुए टाइम हो चुका है, लेट्स चेक। वाओ, इट्स बीन डन नाउ। पीसेस भी कुक हो चुके हैं अच्छे तरीके से, ये देखिए पीस गल चुके हैं सारे एंड फ्रेग्रेंस इज ऑसम। इसमें मैं ऐड करूंगी कुछ जिंजर जूलियंस और गैस फ्लेम को करते हैं हम ऑफ एंड निहारी को करते हैं हम सर्व। चलिए अब अपनी निहारी को हम प्लेट करते हैं फ्रेंड्स। दिस इज हाउ आर निहारी लुक्स। इसको हम सर्व करेंगे विथ फ्यू जिंजर जूलियन से एंड कुछ हरी मिर्च मैं इस पर रखूंगी, थोड़ा सा कोरिएंडर का टच एंड आर यमी नली निहारी इज डन। सो फ्रेंड्स एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा मेरी नली निहारी की रेसिपी, बताइएगा मुझे कैसी लगी आपको। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।